सर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि गांव में है पार्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह सहायता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उनके पास कुछ रेमेडी है, वो कुछ कर सकते बिल्कुल हैं लोकल रेमेडी लेवल है। पे? पहली बात, जो भी अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो पर्टिकुलरली ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में है, जिनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो कलेक्टर से बात करे, एसपी से बात करे, बाकी उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ से डायरेक्ट उनके साथ में बात करे, उनको ईमेल करे, बाकी क्योंकि लेटर तो आप भेज नहीं सकते, तो टेलीफोनिक बात करे, जहाँ फिजिकली जा सकते हैं 5 लोगों से कम वो चाहे, और अपना बाकी मेंटेन करें, मास्क, सैनिटाइजर, बस सोशल डिस्टेंस सब मेंटेन करें, और जनता की कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जो है वो काम करें, और कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर डेलिबरेटली अगर ये नहीं कर रहा है, अगर तो उसके खिलाफ में इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही प्रोविजन है कि अगर वो रिलीफ को, और रिलीफ यानी केवल ये नहीं कि उनको वहाँ रख दिया, वैसा नहीं, उनका खाना पीना, सैनिटाइजेशन, मेडिसिन जो भी होगा वो अगर नहीं कर रहा है, या राशनिंग, फूड जो भी है, तो उन ऑफिसर्स की कंप्लेंट आप कर सकते हैं, और वो ऑफिसर्स के ऊपर में एक्शन का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर में है, तो आप ये काम कर सकते हैं, और कृपा करके इसको कीजिए, क्योंकि 25 मार्च से मैं हमने इसलिए कोशिश की पीआईएल डालने की, ताकि क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, हम फिजिकली नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने कोर्ट के माध्यम से ये किया, लेकिन जहाँ जहाँ जिले जिलों में ये काम कीजिए, और जो किसान लोग हैं या जो एमएसएमई में लोग हैं, जो लोन मिल रहा है वैलिड तौर पर देख लीजिए, और लोन्स को लीजिए, और अच्छा बिजनेस कीजिए, और बाद में धीरे धीरे उसको रिपे कीजिए, ये मौका है अभी भारत के इकोनॉमी को ऊपर लाने का, एम्प्लॉयमेंट करने का। संदेश जिलपे जी पूछ रहे हैं, कोरोना महामारी के आड़ में कुछ राज्यों राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी राज्य हैं जिन्होंने श्रम कानून में बदलाव किया है, 8 घंटे के बजाय अभी 12 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तो ये मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बिल्कुल तो है। इसमें कुछ रेमेडी है? आप फिर रेमेडी करेंगे अगर कोई गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए अमेंड करती है लॉ को, तो लॉ को दो ही तरीके हैं, अगर लॉ को या तो अमेंड किया जाए फिर से अच्छे से, या तो फिर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेकर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए, प्रिवेलिंग दो ही रेमेडी है। तो अगर गलत ढंग से अमेंडमेंट किया है थ्रू ऑर्डिनेंस वो गवर्नमेंट्स ने, तो जो है आप उसको कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जब तक पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, असेंबली इन सेशन नहीं, ये दो काम किए जा सकते हैं। सागर मोटे जी पूछ रहे हैं कि कोरोना महामारी के वजह से अभी गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग का कमी है, तो क्या रिलीजियस प्लेस में, जो चाहे कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, अगर उसमें है तो उसको संपत्ति है तो उसको नहीं मेरा ले तो सकते? बहुत पहले से व्यू है, और ये तो हमारा ऑफिशियल पॉलिसी कि जितने भी रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं किसी भी धर्म के होंगे, उनके पास जो पैसे संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल एसेट्स हो, तो इसके ऊपर 30 से 40% टैक्स लगा के डायरेक्ट बजट में लेना चाहिए, ये मेरा डायरेक्ट मानना है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के रिलीजियस एंडोमेंट्स के पास 76 लाख करोड़ का गोल्ड है, तो इसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है, और उनसे गोल्ड लिया जा सकता है, उनको एक इंटरेस्ट दिया जा सकता है, लोअर इंटरेस्ट रेट का पैसा, और वो गोल्ड को रख के जो है पैसा जो है वो इकोनॉमी में लाया जा सकता है, बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वेल्थ इज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ वर्ल्ड, जो भी संपत्ति है दुनिया के अंदर, या देश की बात यदि मैं करूँ, वो लोगों की संपत्ति है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत इनजस्टिस है, किया जाना चाहिए, पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड लगेगा, फिर मैं वही पर आऊंगा, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, काफी सवाल आ रहे सिंपली हैं। भाई लॉ नहीं कर सकते आप इसको। सवाल कंटिन्यू आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं हम जो रिलेवेंट लग रहे हैं हमको, वही सवाल ले रहे हैं हम। सर जैसे अभी देखा गया, नहीं अच्छा सवाल था जो पूछा जिसने भी, आई अप्रिशिएट, आपने ऐसे सवाल जो है मैं अपने तरफ से नहीं बोल सकता था, आपने पूछ लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर अभी देखा गया है कि हेल्थ इंडेक्स इंडेक्स में जो कंट्रीज आगे है दुनिया में, उन्होंने इस कोरोना महामारी को अच्छे से टैकल किया है, उन्होंने अपना सोशल इकोनॉमिक्स या मनुष्य की जो हानि है उसको कम कम होने दिया है, लेकिन जैसे अभी इंडिया में देखें तो 564 केस थे जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, और अभी लगभग 1,30,000 के करीब पहुंच गए हैं, तो इसमें आप क्या फेलोर मानते हैं, किसका फेलोर मानते हैं? देखिए, एक जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस, यानी जैसे आपके यहाँ रिजर्वेशन है या बाकी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं, तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ों को माना जाता है कि भाई आपका एजुकेशन कितना है, तो आपकी 100% जनता एजुकेटेड चाहिए, पहला पॉइंट। उसमें का आपका, अगर आप साउथ कोरिया का मॉडल देखते हैं या चाइना का मॉडल देखते हैं, जो बाद में कंट्रीज ऊपर आई हैं,
या यूरोपियन मॉडल देखते हैं तो 70% से 96% तक वहां की आबादी हायर एजुकेटेड है। तो पहली बात तो एजुकेशन ने जो रोल प्ले किया है दुनिया के अंदर में, मैं नहीं समझता कि और किसी चीज ने वो रोल प्ले किया है, क्योंकि इंसान को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखिए एजुकेशन से ही समझाया कि हमें क्या करने की जरूरत है क्या करने की जरूरत नहीं है। तो आपका एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपका जो सिटीजन है वो समझदार होगा कि उसको क्या करने की जरूरत है क्या करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात हो गई। फिर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी भारत सरकार की तरह या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आपके हॉस्पिटल्स है, जो बेड्स है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो मेडिकल स्टाफ है, या जो आपकी मेडिसिन है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो मेडिकल साइंसेस में कॉलेजेस है, या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है या रिसर्च है, और इसके साथ में जैसे मेडिसिन के साथ वैक्सीन और ये तमाम चीज़ों का रिसर्च है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी, एपिडेमोलॉजी के अंदर में जो रिसर्चेस है, जेनेटिक साइंसेस में जो रिसर्चेस है, वो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कैसी है, उससे आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिसाइड होगा। और ऑफकोर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका हो सकती है, उसको निगेट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है हाउसिंग, यानी आपके घर, अभी आप देखिए घर अभी धारावी जैसी प्लेस में बॉम्बे के अंदर क्यों फैल रहा है, क्योंकि बॉम्बे में जितने स्लम्स है वो हॉटस्पॉट है, जो आपने इंसान को 600 स्क्वायर फीट के अंदर, 350 स्क्वायर फीट के अंदर 10-10, 12-12 इंसान को रहने के लिए मजबूर कर दिया, आपके पास हाउसिंग ही नहीं दिया उनको, तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका हेल्थ है, वो अफेक्ट होता है। और कम्युनिकेबल डिसीज में अभी भी भारत में 2,30,000 केसेस होती है हर महीने में, इतने लोग भारत में जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, मीसल्स है, कॉलेरा है, इससे डेथ होती है। अभी तो कोरोना से उतना एक महीने में डेथ भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। भारत में हर 3-4 लोगों में एक व्यक्ति को जो है अपनी पूरी डेब्ट्स को, अपनी एसेट्स को बेचकर अपने मेडिकल बिल को चुकाना पड़ता है, ये कंडीशन है। यानी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी जो है वो अभी तक हमने ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। चीप मेडिकल जो हमको असिस्टेंस मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, या जैसे अभी हो गया, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ये चीज़ें जो है हमारे देश में पॉलिसीज में कमी है। तो फिर रिपीट करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ यानी रिजर्वेशन जो है उसको एक्सपांड करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाने की जरूरत है। ये अगर 5 पॉलिसीज अगर हो तो आपका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा वो कंट्री जो है इफेक्टिव वे में किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकती है, केवल एपिडेमिक या पैंडेमिक कोई नहीं, किसी और चैलेंज को भी वो अच्छे से जो है वो टैकल कर सकती है। और इसलिए हम देख रहे हैं साउथ कोरिया जैसा देश जो है एशिया में है, चाइना खुद है जहाँ से ये इमर्ज हुआ, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से इसको टैकल कर लिया। ताइवान जैसी जो छोटी कंट्री है, थाईलैंड्स है, ये जो है अच्छे से टैकल कर रही है, और यूरोप की कंट्रीज में भी इतना फैटेलिटी आने के बाद भी वो इसको अच्छा टैकल कर ले रही है। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन स्किल्स यानी टैलेंट कितना है आपके पास में, हायर एजुकेशन एंड टैलेंट कितना है और स्किल्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जब जिस भी देश में होगा वो बाकी आपदा को अच्छे से जो है वो टैकल कर सकते हैं।